जिनको आदत पड़ गई है वोट बैंक की राजनीति करने की, एक कांग्रेस पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, सीएए के खिलाफ एक दुष्प्रचार का अभियान शुरू किया, और उस दुष्प्रचार के अभियान के अंदर देश की जनता, कई युवा गुमराह हुए और कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तब हमने तय किया कि लोकतंत्र है, चार लोग अपनी स्वार्थ के लिए भारत माता के और भारत माता के सपूतों के, मेरे शरणार्थी भाइयों बहनों के हितों के खिलाफ अगर जाते हैं तो हम भी जनता के पास जाएंगे। मैं देख रहा हूं आप बोर्ड ऊपर ऊपर कर बता रहे हैं कि इससे आपको नागरिकता मिलने वाली है, आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में एक इंच भी वापस नहीं आने वाली, आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता। जितना भ्रम फैलाना है फैलाए, जितना गुमराह करना है करें, हम भी परिश्रम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, माइनॉरिटी के पास जाएंगे और बताएंगे कि इसमें आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है, ये मेरे शरणार्थी भाई आए हैं उनको नागरिकता देनी। मित्रों, मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, भारत माता के टुकड़े नहीं होने चाहिए थे। किसने करे, कांग्रेस पार्टी जवाब दे, ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने करा था कि इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा होगा। और उसके बाद में जो पाकिस्तान बना, पूर्वी और पश्चिम, वहां 30% से ज्यादा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी रहते थे, जो यहां नहीं आ सके, जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आप लोग महात्मा गांधी को मानोगे या नहीं मानोगे, जवाहरलाल जी को मानोगे या नहीं मानोगे, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र बाबू को मानोगे या नहीं मानोगे। अरे आपके नेता मनमोहन सिंह जी ने 2003 में कहा कि इनको नागरिकता दीजिए, गहलोत साहब ने 3-3 चिट्ठियां भारत सरकार को लिखी है, उनके घोषणा पत्र के अंदर ये कहा है कि हम नागरिकता देंगे, मगर जब देने की बात आती है जाति नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वोट बैंक उनकी तितर बितर हो जाएगी। मित्रों, मैं इस पूरे देश को बताना चाहता हूं कि पूरा भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि जो शरणार्थी आए हैं, प्रताड़ित है, दुखी है, सताए हुए हैं, उनको नागरिकता देना ये उनके मानव अधिकारों का रक्षण करना है, और नरेंद्र मोदी सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करती। नेहरू लियाकत समझौता हुआ, उसमें दोनों देशों की माइनॉरिटी को भरोसा दिया गया, हमारे यहां तो हमने माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को सम्मान के साथ रखा, उनकी आबादी भी फल फूल रही, और पाकिस्तान के अंदर 30% से 3%, बांग्लादेश के अंदर 30% से 7%, और अफगानिस्तान में जो लाखों के आसपास से केवल 500 बच गए हैं, 500। हमें सबको सम्मान देना चाहते हैं। नेहरू लियाकत समझौते का अमल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मगर हम करेंगे। कांग्रेस के नेताओं का वचन का अमल कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, मगर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 500 से ज्यादा सभाएं कर हम लोगों को यह अभियान के साथ जोड़ने वाला वाले हैं। 250 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं कर आपकी फैलाई हुई भ्रांति को हम दूर करने वाले हैं, और जब ये सारे लोग समझ जाएंगे
तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितना गलत कदम उठाया है, कितना गलत कदम उठाया है। मित्रों, मोदी जी ने ढेर सारे लोगों को ढेर सारी चीजें पहुंचाई। मैं आज पूछना चाहता हूं मारवाड़ की जनता को, कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए जरा, कितने लोगों के पास मोबाइल है? सबके पास है ना? अपना अपना मोबाइल निकालिए, जरा निकालिए, मोबाइल हाथ में लीजिए, हाथ में लीजिए, माताएं बहने भी निकाले, जरा हाथ में ले, ऊपर करिए। अब मैं एक नंबर बोलूंगा, पहले हिंदी में बोलूंगा, बाद में अंग्रेजी में बोलूंगा, वो नंबर पर मिस कॉल करिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका समर्थन नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। करोगे सब लोग? पीछे बोलो भैया, करोगे? जोर से बोलो, करोगे? तो मैं अब नंबर बोलता हूं, डायल करिएगा, 8 8 6 6 2, फिर से एक बार 8 8 6 6 2। मगर ये गुमराह कर रहे हैं कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी को आदत पड़ी, जितने भी देश हित के मुद्दे हैं उसको अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत विरोध करना। इतनी बड़ी हजारों हजारों की संख्या है, मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये राहुल बाबा कह रहे क्यों 370 हटाई, मैं फिर से पूछना चाहूं, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में खिलाफत कर रही थी। मित्रों, मैं फिर से पूछना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है तो एयर स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जेएनयू में नारा लगता है, देश भारत मां तेरे टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनका समर्थन करते हैं। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने वालों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? मित्रों, एक टुकड़े टुकड़े गैंग देश के अंदर एक वोट बैंक की राजनीति का फिर से एक बार शुरुआत करना चाहता है। और इसलिए मैं देशवासियों को भी अपील करना चाहता हूं और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये जो जागरूकता अभियान, आज जन जागरण अभियान शुरू हुआ है, वो जन जागरण अभियान से आप जुड़िए। ये सारे इकट्ठा होकर फिर से एक बार तुष्टिकरण के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं। मैं आप सबका आह्वान करने आया हूं इस सभा के माध्यम से, इस जन जागरण की सभा के माध्यम से देश की जनता का भी आह्वान करना चाहता हूं कि 70-70 साल से जो समस्याएं निलंबित थी, जिसको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता था, मोदी जी ने 8 माह के अंदर सारी समस्याओं को समाप्त कर इस देश का आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। कोई नहीं मानता था धारा 370 और 35 से कोई हटा पाएगा, मोदी जी ने हटा दिया। कोई नहीं मानता था 3 तलाक कोई हटा पाएगा, मोदी जी ने हटा दिया। कोई नहीं मानता था शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, मोदी जी ने दे दी। कोई नहीं मानता था कि अयोध्या में राम लल्ला का भव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया। कोई नहीं मानता था कि सेना को एक CDS मिलेगा और पाकिस्तान के ऊपर कोई भी वहां से अगर छेड़खानी होती है
तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। वो काम भी मोदी जी ने कर रखा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। उस वक्त जो गुमराह करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला है, वो अभियान के सामने भारत माता के सारे सच्चे सपूत, सारे देशभक्त इस सीएए के लिए, नागरिकता संशोधन कानून के लिए जो जन जागरण अभियान है, इसके साथ जुड़े, इस मिस कॉल पर नंबर मिस कॉल करे और देश की जनता को लामबंद कर जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी शक्ति का परिचय दे। यही है वीर भूमि पर बात कर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।